तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 15। तो लेक्चर नंबर 15 में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक्चुअली मेटल का कार्बोनिल बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सबसे पहले समझना है इसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है ये चीज को आपको समझना है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, अब समझना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर डायरेक्टली मेटल एटम के साथ अटैच हो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, यहाँ पर समझना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका वो कंपाउंड होता है बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल then it is called ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसी को हम क्या बोलेंगे तब बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। बात क्लियर है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है तो वो क्या होगा बच्चों, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले आर एम जी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो R आपका ऑर्गेनिक साइड है, इसमें क्या होगा R आपका कौन सा साइड है बच्चों, ऑर्गेनिक साइड। R आपका अल्काइल ग्रुप है जो कि आपका और ऑर्गेनिक का है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, R2CD, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ये देखो ये आपका डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है, ये आपका डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है तो इसको भी हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या फिर आपको बोलेंगे यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको करवाए थे आगे जाके, यहाँ पर Fe ये वाला एग्जांपल मैंने आपको करवाया था शायद से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या फेरोसिन, इसको क्या बोलते हैं फेरोसिन। अब जब इसको फेरोसिन बोलेंगे तो इसका नाम क्या होगा Fe(N)5C5H5, इसको बोलेंगे ट्वाइस, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर फेरोसिन। तो इस तरीके से आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के, देखते हो कि कैसे होते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है बच्चों यहाँ पर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और एक आपका कौन सा होता है बच्चों पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है और यहाँ पर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका क्या होता है, बातों को ध्यान से समझना। सिग्मा बॉन्डेड हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे RMgX यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, R2ZN ये आपका यहाँ पर भी वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब मैं फेरोसिन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, समझना, फेरोसिन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका होता है, ये आपका पाई बॉन्डेड से जुड़ा रहता है, यहाँ पर आपका पाई बॉन्डेड से जुड़ा रहता है, ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड से जुड़ा रहता है, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, एक आपका कौन सा होता है बच्चों आपका, एक आपका होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें आपका क्या बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर आपका मेटल है, यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड होता है,
लेकिन यहाँ पर कौन सा होता है, पाई डोनेशन होता है। यहाँ पर पाई डोनेशन वाला होता है, मैंने आपको बताया भी था ऐसा कुछ। पाई डोनेशन, पाई डोनर, सिग्मा डोनर, दिस इज अ सिग्मा डोनर, दिस इज व्हाट सिग्मा डोनर एंड दिस इज व्हाट पाई डोनर, वही है ना, डायरेक्टली अटैच है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं सिग्मा डोनर वाला, इसको बोलते हैं पाई डोनर वाला। एक होता है बच्चों यहाँ पर एक होगा बच्चों सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा एंड पाई बोथ आर प्रेजेंट। एक इस टाइप का भी होता है, तो इस टाइप के बारे में तो हम मेटल कार्बोनिल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इस टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे डोनर यहाँ पर ही, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको ये भी बोलते हैं बच्चों हम लोग सिग्मा डोनर और इसको क्या बोलते हैं पाई डोनर। ये बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो इस टाइप के आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक होता है बच्चों कंपाउंड विच इज अटैच विद सिग्मा एंड पाई डोनर, दैट इज कॉल्ड, अब देखो यहाँ पर मैं अगला टॉपिक डाल के बता देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इतना सही होता है, इसके और आपके एग्जाम्पल है जो मैं ऑर्गेनिक में ले लूंगा, डोंट वरी, ऑर्गेनिक में लेने वाला हूँ मैं और एग्जाम्पल इसके। आप देख लेते हैं यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका हुआ। अब इसके बाद समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब समझना, मेटल कार्बोनाइल में आपकी बॉन्डिंग कैसे होती है, इस चीज को आपको समझना है। थोड़ा सा फोकस करना बच्चों इस पे, फोकस करना। अब एक्चुअली अब बात को ध्यान से समझना, सिग्मा डोनर वाले आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बच्चों सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है, रुको, सिग्मा एंड पाई डोनर वाले आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होते हैं बच्चों, एक टाइप का आपका, इस बात को समझना। और एक कौन सा होता है बच्चों आपका, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। अब इस कैटेगरी में कौन आता है बच्चों, इस कैटेगरी में आपका आएगा CO NO+ आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आता है PPH3, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर कौन से आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्कीन, अल्काइन, मतलब इस टाइप के आएंगे। ये उतना आपके सिलेबस में वास्टली नहीं है, आपके सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। अब आप लोग जानते हो कि इन दोनों के बारे में जान लो, इन दोनों में आपके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये डायमैग्नेटिक है। तो थोड़ा सा साइड में मैं इसका एमओटी बनाता हूँ, सीओ का एमओटी बनाता हूँ, थोड़ा सा साइड में मैं यहाँ पर एमओटी बना लेता हूँ और देख लेता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, फिर आपका कौन सा आएगा, 14 है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, दो नीचे आ जाता है, एक ऊपर, फिर दो नीचे, फिर एक ऊपर। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो ये वाले दोनों ABMO होते हैं, ये वाले BMO होते हैं, मैंने बताया था कहीं रिवीजन में, ये वाला ABMO होता है, ये वाला आपका BMO होता है, ये वाला आपका ABMO होता है और ये वाला आपका BMO होता है। बात क्लियर है, अब बात को ध्यान से समझना, ऊपर वाला आपका ABMO होता है, नीचे वाला आपका BMO होता है। अब इस बात को ध्यान से फोकस करना बच्चों कि यहाँ पर कौन सा खाली है, यहाँ पर आपका पाई स्टार वाला खाली है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका पाई स्टार वाला खाली है। तो क्या होता है मेटल कार्बोनिल में, बात को ध्यान से समझना। अब जो आपके मेटल है, समझना ध्यान से, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, पहले बात को ध्यान से समझना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और सी ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके पास लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर इधर देगा। जब ये अपना लोन पेयर इधर देगा तो क्या बना लेगा, मेटल के साथ अपना
ये देखो मेटल के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल में, क्योंकि यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग कर रहे हैं ना यूज, यहाँ पर मेटल आपका कौन सा कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट के, डी ब्लॉक एलिमेंट के, आप लोग देखो ध्यान से कि डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल का कर रहे हैं यूज, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो मेटल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल में आपके पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, अब समझना क्या होगा कि ये सीओ का कौन सा वाला खाली होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपका खाली है, देखो सीओ का एंटी बॉन्डिंग अगर आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल खाली है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो यहां पर क्या हुआ बैक डोनेशन, यहां पर क्या हुआ बैक डोनेशन, यहां पर क्या हुआ बैक डोनेशन, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो क्या होगा, एम जब आपका इधर भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये पहले से बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड पहले, सिंगल बॉन्ड पहले से है, और एम ने पीछे पीछे अपना वो इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये वाला अपने आप कहाँ चला जाएगा आपका, आगे की ओर मूव कर जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड अगर आपका आगे की ओर मूव करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बात समझ में आया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिनर्जिक बॉन्ड, एक और बार समझेंगे, इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। अब बात को ध्यान से समझो, क्या होता है मेटल कार्बोनिल में, मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन दिया, अब क्या होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अब क्या होगा मेटल कंटेन इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कार्बोनिल के वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों आपका बैक डोनेशन हुआ, अब जब यहां पर आपका बैक डोनेशन होगा तो ये इधर देगा तो ये वाला बॉन्ड भी आपका यहां खुलेगा, अब देखो समझ में आया, अब ओरिजिनली सीओ के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन अभी कितना बॉन्ड बचा, डबल बॉन्ड, अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होगा उस चीज को समझना, अब बात समझना, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं क्वेश्चन को समझना, टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन, टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थोड़ा समझो, टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, थोड़ा सपोज करो बैक डोनेशन कब ये मेटल अपना बैक डोनेशन करेगा ज्यादा, ये तभी करेगा जब मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, जब क्या होगा मेटल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, अब डी ऑर्बिटल में जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज्यादा बैक डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा बैक डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो उतना ज्यादा आपका सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, सिनर्जिक बॉन्ड बनेगा, और क्या होगा साथ में कि उतना ज्यादा देखो शुरुआत में सीओ के बीच कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, यहां पर कितने हुए, दो बॉन्ड हुए, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा, तो जितना ज्यादा बैक डोनेशन होगा उतना ज्यादा सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, उतना ज्यादा सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और यहां पर अभी शुरुआत में एमसी के बीच कितने बॉन्ड है, एमसी के बीच आप देख रहे होंगे एक बॉन्ड है, लेकिन बैक डोनेशन के बाद एमसी के बीच कितने हुए, डबल बॉन्ड हुए, तो एमसी के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, घटा, तो क्या होगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ एमसी, समझ में आया बेटा, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो बात को ध्यान से समझना, टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन बढ़ेगा, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, यहां पर बैक डोनेशन, तो यहां पर आपका टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन बढ़ा तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर जैसे ही टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये वाला उधर जाएगा, अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहां पर डबल बॉन्ड सी ओ है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड सी ओ है, तो बैक डोनेशन यहां गया तो यहां पर डबल बॉन्ड सी ओ है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हुआ बढ़ा, तो सी ओ का बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन एमसी के बीच कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो यहां पर जैसे बैक डोनेशन करेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो एमसी का बॉन्ड लेंथ घटाएगा, ठीक है, लेकिन बैक डोनेशन के लिए क्या जरूरी है, इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होना उतने ज्यादा जरूरी है, इसके डी ऑर्बिटल में उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इसी तरीके से आपका बनाएगा,
बात समझ में आई। तो ये तो था MCO बॉन्ड के बीच, MCO मेटल कार्बोनिल का, मेटल कार्बोनिल का आपके सिलेबस में आपको समझना है, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, ये है आपका मेटल कार्बोनिल के बारे में, ठीक है, मेटल कार्बोनिल के बारे में था। अब देखो क्या हुआ, इसने इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया और मेटल ने अपना डी का इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया, इसके पाई स्टार एबीएमओ में, इसके पाई स्टार एबीएमओ में, और देने के बाद जो बॉन्ड बना उसको क्या बोला, सिनर्जिक बॉन्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दो साल पूछा भी गया है और फिर इस साल पूछेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो था हमारे मेटल। अब एक इस टाइप का भी एलिमेंट है, इस टाइप के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना, आप इस टाइप के बारे में डिस्कस करिए, PPH3, उस टाइप के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन उसको करने का कोई फायदा नहीं है, जो चीज काम की है वो चीज काम से, ठीक है। PPH3, अब देखो मेटल एंड PPH3 इसमें क्या होगा, अब देखो इसके इसके कंसेप्ट में क्या होगा कि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। मेटल के पास जब आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो PPH3 के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, एक आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये अपना लोन पेयर कहाँ देगा, ये इसमें देगा। चलो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका क्या बना, MPPH3, ठीक है। लेकिन अब जो यहां पर MPPH3 है, M के पास क्या होगा बच्चों, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, ये डी ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। और यहां पर अब ये आपका PPH3 से जुड़ा हुआ है, अब थोड़ा इसमें सोचना है हमको कि PPH3 का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो लिखो फॉस्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, और इसका 3d भी होता है, तो इसका 3d ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, आपका वैकेंट होता है। 3d ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, वैकेंट होता है, तो ध्यान से समझना। अब जो मेटल है, मेटल इज फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में देगा, मेटल इज फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर इधर से इधर जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, PPH3, इस तरीके का कोई बॉन्ड बन जाएगा आपका। तो इस बात को आप लोगों को अच्छे से समझना है कि यहां पर DD के बीच ओवरलैपिंग अच्छा होगा या फिर डी और पाई के बीच, ये चीजें का क्वेश्चन आता है, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एडवांस के एक में क्वेश्चन सेगमेंट बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, इतना तो आप लोग ध्यान रखो। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर PPH3 के साथ करता तो इस तरीके से करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, यहाँ पर PH3 भी होगा तो PH3 के पास भी लोन पेयर होगा, उसी तरीके से करेगा, फॉस्फोरस वाले के साथ इस तरीके से ही करेगा। चलो इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये लिगेंड का भी नाम लिख सकते हो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये लिगेंड का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें आगे कि इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसके क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको समझ लेते हैं, बस फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड यूजेस वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन समझते बच्चों इससे रिलेटेड हम। अब देखो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO bond length, ठीक है, CO bond length के increasing order में अरेंज करना है। अब देखो यहां पर MCO6 और यहाँ पर MCO6+1, ये आपका है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों डील समझते हैं। देखो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है।
अब आपको कैसे करना है बच्चों, इस चीज में आप जानते हो सीओ बॉन्ड लेंथ, सीओ बॉन्ड लेंथ किसके अंदर ज्यादा होगी। अब ये बात आप लोग जानते हो कि बैक डोनेशन जितना ज्यादा होगा, बैक डोनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीओ बॉन्ड लेंथ, सीओ बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एमसी बॉन्ड लेंथ, एमसी बॉन्ड लेंथ, ठीक है, एमसी बॉन्ड लेंथ। और बैक डोनेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने अभी अभी लिखाया था, आप उस लाइन को पढ़ो एक बार ध्यान से, बैक डोनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर सबसे पहले एम 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 है, सब जगह एम है, कोई आपको नहीं बता रखा कि कौन सा मेटल है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका कितना आएगा -2, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें -1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें 0 है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर डोनेशन। अब जिसके पास माइनस चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट में ज्यादा है, फिर आपका सेकंड में ज्यादा है, फिर आपका थर्ड में ज्यादा है, फिर आपका फोर्थ में ज्यादा है, मतलब माइनस चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया। अब डोनेशन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में ज्यादा है, तो बैक डोनेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, समझो बैक डोनेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, बैक डोनेशन की भी टेंडेंसी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, फर्स्ट की ज्यादा होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद थर्ड की होगी, उसके बाद फोर्थ की होगी। बात क्लियर है, इतना इजी। अब इसके बाद पॉइंट ये है कि देखो मैंने अभी भी बताया एम, एम के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा बच्चों, बैक डोनेशन करेगा इसके इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में, कौन से स्टार ऑर्बिटल में बच्चों, अभी अभी एक ही कंसेप्ट बताया, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक डोनेशन करेगा, और जब पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक डोनेशन करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा। मतलब सिंपली बात ये है कि एम ने रिडोनेशन किया और ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एम डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब जितना ज्यादा बैक डोनेशन होगा उतना ज्यादा सीओ का ट्रिपल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सीओ आपका ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा जितना ज्यादा पीछे से देगा। बात को ऐसे समझो, अगर पीछे से इलेक्ट्रॉन दिया तो आगे से बॉन्ड टूटेगा, तो उतना ज्यादा सीओ के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सीओ के बीच डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अब जितना ज्यादा बैक डोनेशन होगा उतना ज्यादा सीओ बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट के आपका डबल बॉन्ड बनेगा, तो किस में बैक डोनेशन ज्यादा है, फर्स्ट में बैक डोनेशन ज्यादा है, तो फर्स्ट में बैक डोनेशन ज्यादा होगा तो सीओ बॉन्ड उतना जल्दी टूटेगा, उतना जल्दी सीओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो सीओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, सीओ बॉन्ड लेंथ आपकी किस में ज्यादा होगी बच्चों, आप लोग समझ सकते हो, फर्स्ट में ज्यादा होगी, उसके बाद आपके सेकंड में, उसके बाद आपके थर्ड में, उसके बाद आपके फोर्थ में। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं एमसी बॉन्ड लेंथ, तो यहां क्या हो रहा है, पहले सिंगल बॉन्ड था, पहले आपका कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, जब इसने बैक डोनेशन किया तब देखो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब जब पहले सिंगल बॉन्ड था बैक डोनेशन के बाद कौन सा आया, डबल बॉन्ड, तो एमसी बॉन्ड लेंथ घटा, तो एमसी बॉन्ड लेंथ किसका घटता है, जो ज्यादा बैक डोनेशन करता है उसका एमसी बॉन्ड लेंथ उतना घटता है, तो बैक डोनेशन कौन जो ज्यादा कर रहा है, तो एमसी बॉन्ड लेंथ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो फोर्थ का सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एक और क्वेश्चन, फिर हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, काइनेटिक स्टेबिलिटी देखते हुए समाप्त करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर एक आपका इक्विलिब्रियम वाला आएगा, वो मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीओ बॉन्ड लेंथ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीओ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, सीओ बॉन्ड लेंथ। अब देखो सीओ बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, सबसे पहले आपका ए ऑप्शन दिया है क्या, वी सीओ सिक्स -1, बी आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर एफ ई
CO6, Fe CO6, और सी ऑप्शन यहाँ क्या दिया हुआ बच्चों आपको, CrCO6, CrCO6, और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर MnCO5 +1, ये आपको दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर V, यहाँ पर वे इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए -1, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए 0, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए 0, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए +1, ठीक है ये आपका हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब आपको निकालना है सीओ बॉन्ड लेंथ। अब देखो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड में आपकी मेटल कार्बोनिल बॉन्ड में बैक बॉन्ड डोनेशन, बैक डोनेशन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो यहां पर बैक डोनेशन किसमें ज्यादा होगा, आप बैक डोनेशन चेक करो, बैक डोनेशन चेक करो, बैक डोनेशन यहां पर वेनेडियम में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों में आप लोगों को कंपेयर करने में दिक्कत होगा, तो ए में तो सबसे ज्यादा होगा, बी और सी में कैसे कंपेयर करोगे, देखो क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में होते 5 इलेक्ट्रॉन और आयरन के डी ऑर्बिटल में होते 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ डी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, आयरन के, तो इसका बैक डोनेशन ज्यादा होगा, फिर इसके बाद सी का होगा, फिर उसके बाद डी का होगा, तो जिसका बैक डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो, देखो फिर से समझो, ये बैक डोनेशन ज्यादा करेगा तो क्या बना लेगा, बैक डोनेशन करते ही इसके पास क्या हो जाएगा बच्चों, सीओ बॉन्ड लेंथ बन जाएगा, मतलब पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ेगा, तो यहां पर बैक डोनेशन की वजह से सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो सीओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सीओ बॉन्ड लेंथ आपका किसका ज्यादा होगा बच्चों, ए का ज्यादा होगा, फिर बी का ज्यादा होगा, फिर सी का ज्यादा होगा, फिर डी का। और अगर मैं बात करूं एमसी बॉन्ड लेंथ, अब बताओ एमसी बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, समझना, बैक डोनेशन की वजह से पहले जो एमसी के बीच सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ घट रहा है, जितना ज्यादा बैक डोनेशन होगा उतना ज्यादा एमसी बॉन्ड लेंथ घटेगा, तो एमसी बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा बच्चों, डी का ज्यादा होगा, फिर सी का ज्यादा होगा, फिर बी का ज्यादा होगा, फिर ए का। दिस इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग के बारे में अच्छे से, ये इतना ही आपके लिए इनफ है, इतना आप लोगों को अच्छे से करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम आगे हम एक दो चैप्टर में लेते हैं, तो इतना आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। एक आपका है बच्चा कि के स्टेबिलिटी और बीटा बीटा अनस्टेबिलिटी, लेकिन ये जो मेजर पोर्शन है वो मैंने कवर कर लिया है, वो आयोनिक इक्विलिब्रियम में लिया जाता है, तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ जाइए, ठीक है, इतना आप लोगों को करना पड़ेगा खुद से, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए, फिर मैं एक दो एडवांस लेवल का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं उस टाइप के क्वेश्चन को करा दूंगा, मैं एक लेक्चर अब वो एडवांस लेवल का डालने वाला हूँ 3-4 दिनों में एडवांस लेवल का, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद में एडवांस लेवल के क्वेश्चन की सीरीज चालू कर दूंगा। सो प्लीज़ आप लोग चैप्टर खत्म होने के बाद 5 से 6 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं 4 दिन बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेने वाला हूँ सारे के सारे, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर फिनिश होता है, और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम वो यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ रिएक्शन याद करवाऊंगा, कुछ कंपाउंड्स के बारे में याद करना होगा, तो वो सब वही के वही हम देखेंगे, बस हमको यहाँ पर प्योरली कंसेप्ट समझना था। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।